So in data interpretation, we'll see about triangle graph, bar graph, table, pie chart and miscellaneous. तो स्लोप इस तरीके से होता है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव, इधर जीरो। अगर सीधी लाइन होगी तो न्यूट्रल, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, और टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड के। तो अगर बोला अगर स्पीड इज कांस्टेंट तो डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ब्रेकिंग ऑफ वाई एक्सिस क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये इतने बहुत ही कम डिफरेंसेज है, अगर पूरा सपोज हजार हजार का डिफरेंसेज ही है तो कैसे दिखा पाएंगे? तो इसलिए इस स्टेप से ब्रेक कर देते हैं वाई एक्सिस को, और फिर बहुत ही कम डिफरेंस दिखा देते हैं। तो इस तरीके से नोकिया, सैमसंग एंड एप्पल इस तरीके से दिखा सकते हैं प्राइस। कई बार जीरो से स्केल स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से ब्रेक ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। सो कंपैरिजन ग्राफ में क्या होता है? फॉर एग्जांपल पूछा जाए किस दिन टेम्परेचर, वैसे सपोज टेम्परेचर है मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्चुएशन सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है, तो 4 डे। सबसे ज्यादा कहाँ पे? 3rd डे, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है कंपैरिजन डिफरेंस। मीन होता है एवरेज, एवरेज को मीन बोलते हैं एवरेज। मोड क्या होता है? मोड या तो वो फैशन में हो, या उसका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो, या मैक्सिमम रिपीटेशन हो। तो 75% इंजीनियर है, 8 से 15% कॉमर्स है, 5% मेडिकल से, 5% और जैसे अदर से 3%। तो इसमें मोड क्या हुआ? ब्लैक कलर की शर्ट पहन रहे 40, खाकी की 30, रेड और कुछ भी नहीं पहने 10। तो मोड क्या हुआ? ब्लैक। तो मीडियन क्या करता है? बीच में, बीच वाली लाइन है मीडियन है, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो मीडियन क्या होता है? जो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इस साइड 50%, इस साइड 60%, तो ये मीडियन हो गया। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मोर देन समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेस देन 20, लेस देन 40। लेस देन 20 कितने हैं? 0, ठीक है। लेस देन 40 कितने हैं? 50। लेस देन 60 30, लेस देन 60 कितने हो गए? ये 30 + 50, ये 80। लेस देन 80 कितने हो गए? 10, ये इतने सारे 100 हो गए। फिर मोर देन 80, 80 से ज़्यादा कुछ है नहीं तो 0। फिर मोर देन 60, 60 से ज़्यादा कितने हो गए? 20 20। मोर देन 40, ये 30 कितने हो गए? 50। फिर मोर देन 20, तो 20 से ज़्यादा सारी है तो 50, 30, 20 कितना हो गया? 10, 100। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। फिर मोर देन का ग्राफ इस तरीके बनेगा, मोर देन और जाएगा। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो कौन सा होगा ग्राफ? ये फर्स्ट वाला होना चाहिए। तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। एम क्या है? स्लोप है, सी कॉन्स्टेंट रहता है। तो देखो, अगर एम पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से होगा, एम नेगेटिव होगा तो इस तरीके से होगा, और एम जीरो होगा तो इस तरीके से होगा। तो तीनों ही केस में वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो ये सारी लाइन, इन सबका लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। एम मतलब ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। एम लेस देन 0, यहाँ पे 0 है, सीधी सीधी लाइन है, एम जीरो है। यहाँ पे हर क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे है ये नेगेटिव। फिर हमसे एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम इक्वल्स टू 2 लो, सी इक्वल्स टू 2 ले लो, फिर रख के देखो, तो इस तरीके से स्लोप बनेगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का। और जब 0 होगा तो इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा, सब सब स्लोप 0 होगा तो इस तरीके से लाइन बनेगी। जब स्लोप नेगेटिव होगा तो इस तरीके से लाइन आएगी। तो इस तरीके से लाइन हो, या इस तरीके से हो, या इस तरीके से हो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए सही रहेगा। एम क्या होगा इसका? एम क्या होगा? नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव है। तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होता है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो वाई नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव जा रहे हैं तो वाई ऊपर जाएगा, जब नेगेटिव लोगे वैल्यू तो वाई नीचे जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, कुछ अलग कलर से दिखा देते हैं। तो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ है। तो जब वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, या तो इस तरीके से बनेगा, जब वाई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स।